हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग और हैप्पी दिवाली सबको। आपकी दिवाली कैसी रही सबकी, मुझे कमेंट में बताना। और मैं अभी शाम से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि पूरे दिन में मैंने ब्लॉग शूट किया ही नहीं था, क्योंकि ऐसा बोल रहे थे कि दिवाली कल है, मतलब कल पूजा वगैरह करेंगे, तो फिर मैंने भी सोचा मैं कल ही बनाऊँगी ब्लॉग। तो फिर शाम को वापस पता चला कि नहीं, कल तो दिवाली दिन तक ही है, मतलब फिर शाम को पूजा नहीं हो पाएगी, इसलिए फिर हमने सोचा कि चलो आज ही कर लेते हैं पूजा वगैरह। तो मैं फटाफट से ड्रेस चेंज करी थी, मैंने कुछ भी नहीं, ज्वेलरी वगैरह भी कुछ नहीं पहनी, सिर्फ रखड़ी मेरी पड़ी थी वो मैंने बांध ली थी, चूड़िया वगैरह भी कुछ भी चेंज नहीं किया और ऐसे सिंपल सी रेडी हो गई थी। और बस ये यहाँ पर मेरे देवर ये स्टिकर वगैरह लेके आए थे, तो फिर हम वही लगा रहे थे और नीचे पटाखे वगैरह भी जला रहे थे और फिर दिए वगैरह करेंगे और फिर पूजा भी करेंगे। तो यही बस बहुत सालों बाद आज दिवाली सेलिब्रेट कर रही हूँ मैं, तो ऐसा बोल सकती हूँ, क्योंकि पिछले कुछ सालों से ऐसा ही हो रहा था, दिवाली का कुछ भी ऐसे हो नहीं, मना नहीं पा रही थी और मन भी नहीं कर रहा था। इस बार थोड़ा बहुत एक्साइटेड थी मैं दिवाली के लिए, तो बस मैं तो तैयार वगैरह भी हो गई थी, क्योंकि मुझे फेस्टिवल वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक है, मतलब कुछ भी छोटे मोटे फेस्टिवल होते हैं ना, तो भी मुझे, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी रहती हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मतलब। तो बस ये हमने स्टिकर वगैरह लगा दिए थे और अब दिए जलाएंगे और फिर पूजा करेंगे। और मेरी शादी को ना 5 साल होने वाले हैं और ये मैं मेरे ससुराल में पहली दिवाली मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ, क्योंकि 4 सालों में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। शायद मैं 1 साल तो मेरे घर पे थी और उसके बाद 3 साल ऐसे निकले कि मतलब दिवाली का कोई मतलब ऐसे सेलिब्रेट करने का नहीं था। तो ये मेरा फर्स्ट मतलब दिवाली है मेरी ससुराल में, ऐसे बोल सकती हूँ मैं। तो यहाँ पे मेहू भी आ चुकी थी, उसको भी मैंने ड्रेस चेंज करा दी थी, क्योंकि मैंने कपड़े चेंज किए तो फिर उसको भी कराना बनता ही है। वो भी बोलने लगी कहीं जा रहे हैं तो मुझे भी चेंज कराओ, तो फिर मैंने ये ड्रेस पहना दी थी उसको। और बस यहाँ पर हम दिए जलाने की तैयारी कर रहे थे। Blessings bring peace and love to everything. Drums and flutes sing out loud, crowds of people feeling proud. Unity in every heart, this is where the love starts. Happy Diwali, light up the world. Candles flicker, stories are told. और यहाँ पे मैंने छोटी सी रंगोली भी बनाई थी और ये मैंने अभी बनाई थी तैयार होने के बाद फूलों से ही, क्योंकि मुझे लगा था कल दिवाली, तो मैं कल रंगोली के कलर वगैरह मंगा के बनाऊंगी रंगोली अच्छी सी, लेकिन फिर मैंने जल्दी जल्दी में फूल मंगा दिए थे, तो फिर फूलों से ही, फूल भी थोड़े से ही लेके आए थे, तो फिर जितने भी फूल थे उससे ही जैसे बनी मेरे से वैसे मैंने बना दी थी। और बस अब पूजा की तैयारी करेंगे, मतलब पूजा की तैयारी तो हो ही चुकी है, अब फटाफट से पूजा वगैरह करेंगे। ठीक लगाने तो मान तो पूरे मो पर डाल दे तो गाइज़ यहाँ पे पूजा मेरी कंप्लीट हो चुकी थी, मैंने पूजा कर ली है और अब बस लास्ट में आरती करेंगे लक्ष्मी माता जी की। तो शूट भी हस्बैंड कर रहे थे वहीं बैठे हुए, उनके फ्रेंड्स वगैरह भी बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे सब लोग, तो उन्होंने ज़्यादा शूट भी नहीं किया था। और मैं हूँ, आप लोग देख सकते हो बीच बीच में, उसको बहुत मज़ा आता है ये सब चीज़ें। तो बस अब लास्ट में आरती करेंगे।
देव ना मेरे को देव लो। अरे देव इधर दे। उडली बम लेना। तो ही लिया। भाई पैकेट में लिया। सब लिया अटे। हाँ। और ये फिर हम ऊपर ही आ गए थे। ऊपर ही यहाँ पे भी हूँ से फुलझड़ियाँ वगैरह चला रही थी। मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। हाथ मिलते थे दूसरा हाथ पहने तो ये नेक्स्ट डे शाम को हम लोग जा रहे थे हमारी कुलदेवी के माता जी के, और यहाँ पे गाड़ी के भी हार वगैरह चढ़ा दिया था। गाड़ी साफ कर नहीं है तेरे चाचू को बोलो शूज दिलाओ मुझे। बोलो बोलो चाचू को चाचू को बोलो मेरे पास शूज नहीं है। बोल ना नहीं लाया गए शूज। अरे एक महीना कमरा में रह जाओ ना एक बहाने पड़ो कई बराबर। ये हम पहुंच गए थे माता जी के, और आज पूरे दिन दिवाली के हिसाब से मंदिर खुला रहता है तो हमने दर्शन वगैरह किए और फिर थोड़ी देर यहीं पे बैठे थे। और यहाँ पे आज है दिवाली। हम लोग कल ही आ रहे थे लेकिन फिर यहाँ पे फ़ोन करके पूछा था तो फिर आज के लिए बोला था कि दिवाली आज करेंगे यहाँ पे, तो इसलिए फिर हम आ जाए थे। वैसे मंदिर बंद रहता है बाकी ऐसे दिवाली या फिर संडे को ऐसे मंदिर खुलता है, तो आज दिवाली थी ना इसलिए आज पूरे दिन मंदिर खुला था। तो ये है अंदर से मंदिर, और बस सब निकल गए थे वापस घर के लिए। और मेहू को पाती दी थी खाने के लिए तो वो थोड़ी सी कड़वी लगती है तो उसने मुंह में रख ली थी, खाई नहीं थी वो, मैं खा रही थी वो मुझे वापस। और फिर आते हुए और आज पटाखे लेके आए थे तो आते ही पहले ये जलाने लग गए थे। मैं सोचा बाद में खाना वगैरह बनाएंगे पहले नीचे से पटाखे वगैरह जला के फिर ही जाएंगे ऊपर। नहीं खाना मम्मा को दे दो। वहाँ रख दे यहाँ रख और रख दे ये पापा की जेब में रख दे। तो क्या खाना है इधर देख वहाँ देख वाह खत्म। ले लो लाना पड़ेगा ये तो खराब। हाँ इधर आधा ये दो बराबर लगी। घर आ गए थे और खाना वगैरह बनाया, थोड़ी देर पटाखे चलाए नीचे, और अब मैं सोच रही हूँ कि मम्मी को मैं करवा दे देती हूँ फिर मेरे दिमाग से निकल जाएगा वापस। तो हमारे यहाँ ना करवा चौथ का जो वो करवा होता है ना फिर वो सासू माँ को दे देते हैं, तो उसमें ऐसे कुछ भी अन्न मक्की गेहूँ कुछ भी भर के, तो वो मैं मम्मी को दे देती हूँ। उसके साथ ड्रेस भी देते हैं तो ड्रेस आज मम्मी साथ में ही थे तो फिर मैंने लेवा दी थी आमिर से उनकी पसंद की, क्योंकि फिर उदयपुर से लाऊँ तो वापस उनको पसंद नहीं आए तो चेंज वगैरह कराने की दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए अब मम्मी नीचे हैं और ऊपर आएंगे तो फिर मैं उनको दे देती हूँ। मैं करवा वगैरह भर लेती हूँ, मक्की के दाने पड़े हैं ऊपर। ये मैं वो क्या कर रही है? तो गाइस हो चुकी है वापस नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और जब मैं सुबह उठी तब भी मैंने नीचे देखा कि जो मेरे काके सासू जी है वो नीचे गोवर्धन जी बना रहे थे, क्योंकि आज है दिवाली का नेक्स्ट डे तो गोवर्धन पूजा होती है आज, तो वो गोबर से बना रहे थे यहाँ पे गोवर्धन जी। तो फिर मैं भी नीचे चली गई थी देखने के लिए, और ये उन्होंने बना लिए थे और फिर पूजा वगैरह की, और ये दही डाल के ना फिर ऐसे छाछ वगैरह फेर रहे थे हम लोग।
तो मैंने तो ये सब पहली बार ही देखा, मुझे तो इन सब चीज़ों का कोई आइडिया नहीं है, मैंने बचपन से ऐसा कभी कुछ देखा नहीं था। तो ये पूजा हमने की थी यहाँ पे, और यहाँ पे फिर लास्ट में आरती वगैरह की, और ये सब क्लिप्स मैं ना साथ में ऐड कर रही हूँ। दिवाली का व्लॉग इतना कुछ बना नहीं था दो तीन दिन से, तो फिर सब मैं एक में ही डाल के एक व्लॉग डालूंगी। तो क्योंकि ज़्यादा कुछ शूट हो नहीं पाया, पूरे दिन कुछ होता नहीं है खास इतना करने का, तो फिर मेन मेन जो चीज़ें थी मैंने वही सब शूट की थी। तो बस गाइस इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड कर देती हूँ कुछ फ़ोटोज़ वगैरह के साथ में। और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।